सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है राइज ऑफ मराठा। देखिए, सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने जो कवर किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक साथ डिस्कस किया है डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल, राइट, डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए कि किस तरह से आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो कि हुआ था 1707 में, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुगल एम्पायर बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है और मुगल रूल कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि रूलर्स जो थे वो वीक रूलर्स आए। उसके अलावा जो था डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी टूट गया। टूट कैसे गया? क्योंकि स्मॉल स्मॉल प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट होने लगी, यानी छोटे छोटे राज्य बनने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस होने के बाद वो अपना रूल करने लगे। फिर जो सुप्रीमेसी थी वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि मुगल बहुत ही सुपीरियर था, बहुत पावरफुल था। वो डिक्लाइन हो गया क्योंकि वो छोटे छोटे क्या हो गया, छोटे छोटे राज्य में बट गया और यहाँ पर डिफरेंट किंगडम आ गए। उसमें से एक किंगडम है मराठा किंगडम, तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा राइज ऑफ मराठा। राइज ऑफ मराठा में सबसे पहले जानेंगे ये जो बुक, जो चैप्टर है वो कवर किया जा रहा है स्पेक्ट्रम बुक से, ठीक है। तो वहाँ से आपको, वहीं से आप पढ़िएगा और इसको देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी किताब है, राजीव अहीर की बुक है जिससे ये कवर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। राइज ऑफ मराठा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मराठा किंगडम की कंडीशन। एक्चुअली शिवाजी का नाम तो हम सभी जानते हैं और मिडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरह से वो पूरी तरह से मराठा सुप्रीमेसी लाने में योगदान देते हैं। तो मराठा बहुत ही सुपीरियर पावरफुल बन चुका था और इनके किंगडम कहाँ पे था? ये किंगडम जो था वो डेक्कन में इस्टेब्लिश था, ठीक है। डेक्कन यानी कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का पार्ट, ठीक है। तो शिवाजी के मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, उनके ग्रैंड सन जो थे साहू, वो एक्चुअली बंदी बना दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो औरंगजेब ने उनको बंदी बना दिया था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में और उसके बाद उनके बेटे, औरंगजेब के जो भी रूलर थे, बेटे नहीं, उनके जो यू नो सक्सेसर थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो थे वो एक लिबरल रूलर थे, वो इनकी तरह कट्टर नहीं थे। इनको ये नहीं था कि हाँ मुझे सबको मतलब दूसरे जो भी रिलीजन है उसको ख़त्म करना है, ऐसी इनकी सोच नहीं थी। और इसीलिए लिबरल रूलर थे, इनको सा बेखबर भी कहा जाता था। तो लिबरल रूलर थे, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, साहू को माफ़ कर दिया और साहू को रिलीज़ कर दिया। अब कंडीशन क्या हो गया? साहू पहुंच गए अपने किंगडम मराठा, ठीक है। तो मराठा वो आ गए। अब वहाँ पे क्या हुआ उसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, मराठा जो थे, मराठा की बात की जाए तो अब उनकी हम लोग कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि साहू जो है वो पहुँच गए अपने मराठा किंगडम। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ताराबाई, ठीक है, ताराबाई कौन है? रिलेटिव है शिवाजी की, ठीक है, वो शिवाजी की ही रिलेटिव है। ताराबाई अपने बेटे को राजा बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें रूलर वहाँ पे कोई और है। और साहू बोलते हैं कि देखो मैं तो आ गया, अब मुझे राजा बना दो क्योंकि मैं हूँ ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। ये बात इनको खल गई, भाई मैं आपको क्यों राजा बनाऊँ, हो सकता है कि आप मुगलों से मिले हुए हों, ऐसी बातें इनके माइंड में आई और इन्होंने मना कर दिया। तब साहू सोचे अब क्या करें, तो उनका हेल्प करने के लिए आते हैं उनके ही कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ उनके कमांडर इन चीफ नहीं थे, वो ताराबाई के कमांडर इन चीफ थे, ध्यान रखें। वो किसके कमांडर इन चीफ थे? तो वो ताराबाई के कमांडर, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ओके देख लेते हैं हम लोग। देखिए, वो क्या थे? कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, किसके कमांडर इन चीफ थे? मराठा किंगडम के। तो इन्होंने बोला कौन? भारू पंत पिंगले, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, भारू
पंत पिघले। भारू पंत पिघले बोलते हैं कि ठीक है, मैं जो हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें राजा बनाऊँगा। साहू खुश हो जाते हैं, लेकिन ताराबाई मना कर देती है कि नहीं, ये राजा तो बनेंगे ही नहीं। तो फिर एक लड़ाई होती है, इस लड़ाई का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बैटल ऑफ खेत। तो बैटल ऑफ खेत की लड़ाई होती है, ये लड़ाई किसके किसके बीच में होती है? तो जी हाँ, ये लड़ाई होती है, आप बता सकते हैं ये लड़ाई किसके बीच में हुई होगी? तो जी हाँ, ये लड़ाई हुई है साहू, ये लड़ाई किसके बीच में हुई है? तो ये लड़ाई हुई है साहू और ताराबाई के बीच में, ठीक है। ये दोनों बैटल ऑफ खेत करते हैं। अब बैटल ऑफ खेत होता है तो जीतता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साहू जीत जाते हैं, और साहू के साथ कौन थे? भारू पंत पिघले, ठीक है, भारू पंत पिघले थे। भारू पंत पिघले तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो तो जिता देते हैं। अब क्या होता है आगे, तो आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि साहू और भारू पंत पिघले राजा बन जाते हैं। भारू पंत पिघले तो एक्चुअली राजा नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी रोल बहुत इम्प्रूव हो जाता है और इनको पेशवा की उपाधि दी जाती है। पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री में, पेशवा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पावरफुल पोजिशन है। देखिए अगर हम पावर ऑफ ऑटोनॉमी की बात करें, तो ये किसको मिलता है? पावर ऑफ ऑटोनॉमी मिलता है भारू पंत पिघले को, बहुत पावरफुल रोल मिलता है, और क्योंकि पूरा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में चला जाता है। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम बहुत मायने रखता था, क्योंकि उस टाइम जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू, वही तो सबसे बड़ी अर्निंग थी, अर्निंग ऑफ इनकम तो वही था ना, लैंड रेवेन्यू तो वही था, और वही किसके हाथ में चला जाता है? आपने देखा, ये चला जाता है पावर ऑफ ऑटोनॉमी पेशवा किंग के हाथ में, राइट। तो पेशवा के हाथ में चला जाता है जो कि है भारू पंत पिघले। तो आपने मूवी देखी होगी मस्तानी, बालाजी मूवी थी एक मस्तानी, उस मूवी में यही दिखाया गया था कि बालाजी बाजीराव थे वो क्या थे, पेशवा थे, और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर था, ठीक है। कहने का मतलब बस यही है। तो हमने देखा सारू और भारू पंत पिघले की पावर आती है, पावर ऑफ ऑटोनॉमी किसके हाथ में चला जाता है? भारू पंत पिघले के। अब ये क्या क्या चेंजेस करते हैं थोड़ा देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट। ही मेक पेशवा सिस्टम हेरिडिट्री, जी हाँ, पेशवा सिस्टम को वो हेरिडिट्री बना देते हैं, हेरिडिट्री बना देते हैं पेशवा सिस्टम। और इससे क्या होता है कि अब पेशवा जो होगा कौन बनेगा? पेशवा उनके बेटे पेशवा बनेंगे, यानी ये हेरिडिट्री सिस्टम हो गया और पावर ऑफ ऑटोनॉमी मिल गया। तो भारू पंत पिघले तो बहुत खुश होते हैं भाई, वो अपने बच्चों को भी एक सिक्योर लाइफ देते हैं। लेकिन इधर साहू के समय में क्या होता है वो ध्यान से देखते हैं। तो हमने देखा कि भारू पंत पिघले को लैंड एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, साथ में इनका नाम भी बदल दिया जाएगा। अब इनका नाम क्या है? इनका नाम अब हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, भारू पंत पिघले का नाम चेंज हो गया है और अब इनको क्या कहा जाएगा? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, अब हम इनको बालाजी विश्वनाथ कहेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया ये बालाजी विश्वनाथ है। अब बालाजी विश्वनाथ जो थे वो कौन थे? लैंड एडमिनिस्ट्रेटर थे। उस टाइम के सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। उस टाइम जो था मुगल एम्पायर बहुत वीक था ना, वीक था, तो उसका फ़ायदा किसने उठाया? उसका फ़ायदा उठाया गया भारू पंत पिघले के द्वारा, ठीक है। मैं बार बार भारू पंत पिघले, इनका नाम बदल गया, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं? तो वो बोलते हैं कि ये जो मुगल एम्पायर है जिनका पूरे सारे किंगडम पे कंट्रोल है, और मराठा भी क्या है, एक किंगडम है, तो मराठा पे भी उनका कंट्रोल था, तो वो मुगलों को बोलते हैं, एक डील देते हैं, देखिए डील बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डील देते हैं कि वो फॉरेन इन्वेंशन यानी बाहर से कोई भी अटैक करेगा उसको वो क्या करेंगे,
बाहर से कोई भी अटैक करेगा उससे वो मुगलों का साथ देंगे और मुगल जो है किंगडम है, मुगल जो एम्पायर है उसको बचाएंगे। और इसके बदले मुगल क्या करेगा, मुगल उनका टैक्स नहीं लेगा, ठीक है, तो टैक्स माफ होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कदम उठाया भारूपत पिंगले में। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू टू वॉच द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो स्टडी विथ रश्मि से जुड़ जाए, इस पर बहुत सारे हिस्ट्री के लेक्चर अवेलेबल हैं, और साथ में आगे भी मिलते रहेंगे, हम लोग एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।